हेलो क्लास नाइन के विद्यार्थीगण, आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बायोएंट फोर्स के बारे में, यानी बायोएंसी के बारे में होता क्या है। देखिए, बायोएंसी एक फोर्स होता है जिसके कारण हम तैर पाते हैं, स्विम कर पाते हैं, बड़े बड़े जहाज समुद्र में आराम से तैर पाते हैं। तो चलिए उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, यानी बायोएंसी को पढ़ने के लिए, आपको थोड़ा सा प्रेशर को दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे हेडिंग दे देते हैं, प्रेशर इन फ्लड। प्रेशर इन फ्लड, प्रेशर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, प्रेशर हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन हमने किस प्रेशर के बारे में पढ़ा हुआ है, हमने सॉलिड के बारे में पढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, फ्लड के बारे में पढ़ने वाले। तो बोलो कि जो फ्लड होता है वो प्रेशर जरूर डालेगा, बिकॉज ये क्या है, मटेरियल है। जो भी मटेरियल होगा वो प्रेशर डालेगा, क्योंकि उसके पास मास होगा। तो ये फ्लड है, ये फ्लड होता क्या है, अगर कोई सवाल कर दे, पहला सवाल तो यही करेगा कि फ्लड होता क्या है, ठीक है। तो हम लिखेंगे द सबस्टेंस विच कैन फ्लो, वैसा सबस्टेंस जो फ्लो करे उसे फ्लड कहेंगे। जो एक जगह से दूसरे जगह चला जाए अपने आप, वो क्या है बताइए, वो क्या है, फ्लड, ठीक है। जैसे गैसेज होते हैं, वो कैसे, उनको उनको लेके जाया जाता है, क्या आराम से चले जाते हैं, लेकिन सॉलिड को लेके जाना पड़ता है ना, मस्कुलर फोर्स लगा करके। बुक है, सॉलिड है, बुक को मतलब मस्कुलर फोर्स लगाना पड़ता है, फिर वहां से वो जाता है कहीं पे। लेकिन जो लिक्विड होता है वो फ्लो कर जाता है, अगर उसको थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए, तो बताऊंगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो यदि थोड़ी सी ऊंचाई मिल जाए और कहीं पे नीचा जगह पे जाना होता है, तो ये नॉर्मली वाटर चला जाता है, यानी उधर से अगर वाटर का प्रेशर है तो वो मतलब नीचे की तरफ क्या, ऊपर की तरफ भी कभी कभी चला जाता है, ठीक है। तो वो जो है वो आसानी से फ्लो कर जाते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, फ्लूड कहा जाता है, ठीक है। बोलेगा कि कौन कौन फ्लूड है, तो हम बोलेंगे कि जितने भी लिक्विड है वो सारी क्या है, फ्लूड है। जितने भी गैसेज हैं वो सब क्या है, फ्लूड है। तो जितने भी लिक्विड हैं और जितने भी गैसेज हैं वो सब क्या में आते हैं, फ्लूड में आते हैं, ठीक है। इतना दिमाग में आ गया। अब बोलिएगा कि क्या लिक्विड और गैस, ठीक है, ये प्रेशर डालते हैं, तो दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि ये लिक्विड और गैस क्या है, मटेरियल है, किसी न किसी चीज से बना हुआ है। और जो भी मटेरियल होता है उसमें क्या होता है बताइए जल्दी, मास होता है। और जिसमें भी मास होता है वो क्या करता है, प्रेशर जरूर डालता है, ठीक है। तो ये जो लिक्विड और गैस है ये प्रेशर जो मतलब डालता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमने पढ़ा हुआ है इसके बारे में, सॉलिड जो है वो प्रेशर डालता है, आपने पढ़ा है ना, सॉलिड जो है वो हमें क्या, हम पे क्या करता है, प्रेशर डालता है। मान लो कि कोई भी सॉलिड, बड़ा सा बॉक्स है सॉलिड, उसको हमने अपने सर पे रखा हुआ है, तो क्या वो हमारे सर पे प्रेशर डालता है, बताइए इसका जवाब है आपके पास, क्या वो हमारे सर के ऊपर प्रेशर डालता है। तो जवाब आपके मतलब मन में आ रहा होगा कि बिल्कुल वो प्रेशर डालता है, और वो जो प्रेशर का वैल्यू होता है, वो जो प्रेशर का वैल्यू होता है वो उसके वेट के बराबर होता है। बोलिए कोई समस्या यहाँ तक, जो वो प्रेशर डालता है वो किसके बराबर होता है, वेट के बराबर। थ्रस्ट पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था, है ना। और जो वेट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू जी, मालूम होगा अगर आप अर्थ पे हैं तो आपको एम इंटू जी लगाना होगा, जहां पर जी का वैल्यू कितना रखना होता है बताइए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना मालूम चल गया। तो सॉलिड भी है तो प्रेशर डालता है, लिक्विड भी है तो प्रेशर डालेगा, गैस भी है तो प्रेशर डालेगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, फ्लड की जो खासियत होती है, देखिए सॉलिड की जो खासियत है वो क्या है, सॉलिड जो होता है उसका एक ही डायरेक्शन है। सॉलिड अगर कहीं पे रखा हुआ है तो वो किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। किधर लगाएगा, डाउनवर्ड, यानी नीचे की तरफ। लेकिन जो लिक्विड होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो लिक्विड होता है वो ऑल डायरेक्शंस है ना, ऑल डायरेक्शंस, लिक्विड ना लिख करके मैं यहाँ पे फ्लड लिख देता हूँ, तो जो फ्लड है वो हर एक डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में क्या करता है, फोर्स लगाता है या प्रेशर डालता है। ध्यान से सुनिएगा, सॉलिड का जो प्रेशर होता है वो किधर, नीचे की तरफ, दाएं बाएं आगे पीछे नहीं। लेकिन फ्लड जो होता है वो हर एक डायरेक्शन में फोर्स लगाता है या प्रेशर डालता है। बोले कैसे पता चला, तो बड़ा सिंपल सा है, आपने गैस का सिलेंडर देखा होगा, आपके यहाँ जो LPG आती है उसमें लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, और वो बहुत ही हाई प्रेशर से डाला हुआ रहता है उसके अंदर, लेकिन कहीं से भी एक लीकेज होता है तो देखो ऊपर से भी निकल जाता है ना, है ना।
यानी वहां पर क्या हो गया, ऊपर से भी गैस निकल रहा है, इसका मतलब प्रेशर क्या, हाँ ऊपर भी लग रहा है ना। तो जब ऊपर प्रेशर लग रहा है तो कहीं पर भी लग सकता है। तो यहाँ पर जो फ्लड होता है वहां पे, ये आप दिमाग में रख सकते हैं कि ये जो फ्लड होता है वो प्रेशर डालता है किधर, ऑल डायरेक्शन में, और इसमें आप ये ऐड कर लो इवन अपवर्ड, यानी किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। बोलिएगा कैसे पता चला, तो अभी तो मैंने उदाहरण बताया आपको, है ना, ऊपर की तरफ ये क्या करता है, प्रेशर डालता है। कोई समस्या यहां तक, ठीक है। अब एक और सवाल जो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए व्हाट इज पास्कल लॉ, तो यहां हेडिंग दे दीजिए मैं आपको बताने वाला हूं पास्कल्स लॉ। तो आपको मालूम होगा कि प्रेशर का ऐसा यूनिट जो होता है वो पास्कल ही होता है। तो प्रेशर से जुड़ा हुआ उन्होंने एक लॉ दिया था, क्या दिया था कि इन एन इनक्लोज्ड फ्लड, अगर मान लीजिए कोई इनक्लोज्ड फ्लड है, जैसे गैस है ना, ये पूरा इनक्लोज होता है, पूरा बंद होता है, ऊपर से भी बंद होता है, तो जो इनक्लोज्ड फ्लड होगा, इफ प्रेशर इज चेंज इन एनी पार्ट, इफ प्रेशर इज चेंज एनी पार्ट, प्रेशर इज चेंज्ड है ना इन एनी पार्ट, अगर किसी भी पार्ट में प्रेशर में परिवर्तन आता है, किसी भी पार्ट में क्या आता है, प्रेशर में परिवर्तन आता है ना, देन दिस चेंज ऑफ प्रेशर इज ट्रांसमिटेड, देन दिस चेंज ऑफ प्रेशर इज ट्रांसमिटेड, ये ट्रांसमिट हो जाता है, हर एक जगह पहुंच जाता है, ट्रांसमिटेड टू द हॉल पार्ट, ठीक है, हॉल पार्ट ऑफ फ्लड। तो जो भी फ्लड है ना उसके हर एक भाग में ये प्रेशर क्या हो जाता है, मतलब फैल जाता है। किसी एक भाग पे प्रेशर डालने से ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी पार्ट पे प्रेशर पड़ेगा, वो जो फोर्स होगा, एक तरह से प्रेशर लगाने का मतलब क्या है, फोर्स है, तो वो फोर्स हर एक डायरेक्शन में बदल जाएगा, हर एक डायरेक्शन में मतलब बिखर जाएगा, बदल नहीं जाएगा। बोलेगा उदाहरण के द्वारा समझाइए, तो बड़ा सिंपल सा है, मान लीजिए एक क्लोज कंटेनर यहाँ पे है, और ठीक है, और यहाँ पे ये गैसेस से भरा हुआ है इस तरीके का, या इसको मैं मान लेता हूँ कि ये लिक्विड से भरा हुआ है, लिक्विड वाला हम समझ लेते हैं, पूरा लिक्विड से भरा हुआ है, और मैंने यहाँ से एक प्रेशर डाला है, प्रेशर का मतलब P1 मैं मान लेता हूँ, और मैंने फोर्स ही लगाया है एक तरह से। तो जब भी मैं यहाँ से लगाऊंगा तो जो ये, देखो ध्यान से सुनना, मैंने क्या बताया कि ये हर एक डायरेक्शन में प्रेशर डालता है ना, तो इधर डाल रहा होगा कुछ ना कुछ, अपने वॉल्स पे हर एक फ्लड प्रेशर डालता है, तो पहले से कुछ ना कुछ प्रेशर डाल रहा था, जब तक कि मैं बाहरी प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ उससे पहले भी ये प्रेशर डाल रहा है, लेकिन जैसे ही मैं ये डालूंगा तो ये जो है वो सब में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये वाला जो P1 है, ये इस वाले P1 में जो पहले से P था उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और इसके मैग्नीट्यूड को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो सपोज यहां से मैंने एक हॉल किया था, जब मैं यहां से नहीं डाल रहा था, देखो मैंने प्रेशर नहीं डाला है, और जब मैंने यहां पे हॉल किया तो इसमें से वाटर निकल करके यहां पे आके गिर गया, लेकिन जैसे ही मैंने यहां से प्रेशर एक अलग से डाला तो ये जो वाटर का फ्लुएंसी है वो थोड़ी सी क्या हो गई, ज्यादा हो गई है ना, और आगे की तरफ हो गई। रीजन क्या है कि ये जो मैंने प्रेशर यहां पे डाला है, देखो इस तरफ डाला है, मैंने यहां थोड़ी डाला है, मैंने यहां डाला है, लेकिन ये इवनली हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जिसके कारण यहां पर भी इसका वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया, और इसका वैल्यू बढ़ करके थोड़ा सा आगे पिछला गया। मुझे लगता है कि पास्कल लॉ आपके दिमाग में आ गया होगा, बेसिक इसका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अगला जो टॉपिक है वो है आपका, जिसको हम स्टार्टिंग में बोले थे कि बायोएंसी हम लोग को जानना है, तो हेडिंग दे दीजिए बायोएंसी। ये हो जाएगा आपका बायोएंसी। तो इसका अगर डिफिनीशन कोई पूछ ले आपसे तो कैसे आप बताओगे? बायोएंसी से पहले आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज बायोएंट फोर्स, इसको जान लीजिए। तो ये आप लिखिए एवरी लिक्विड, है ना, अभी बात मैं करूंगा लिक्विड के, ठीक है, ऐसे जो भी फ्लड होगा वो बायोएंट फोर्स लगाता है, आप ऐसे कह सकते हो, लेकिन हम अभी बात करेंगे लिक्विड की क्योंकि इसकी महत्ता थोड़ी ज्यादा है। तो एवरी लिक्विड एग्जर्ट, एग्जर्ट मतलब क्या होता है, लगाना, एन अपवर्ड, अपवर्ड मतलब किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, अपवर्ड फोर्स है ना। जितने भी लिक्विड होते हैं वो ऊपर की तरफ क्या करते हैं, बल लगाते हैं,
ऑन द ऑब्जेक्ट, किस पर लगाते हैं बल? ऑन द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट पर, है ना, विच इज इमर्ज्ड इन इट, जो इसमें क्या है, इमर्ज्ड है, डूबा हुआ है, इमर्ज्ड इन इट, जो इसमें क्या है, डूबा हुआ है. तो एवरी लिक्विड एग्जर्ट एन अपर फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट विच इज इमर्ज्ड इन इट, जो इसमें क्या है, डूबा हुआ है. यानी किसी भी वस्तु को जब हम नीचे डालेंगे पानी में तो वो पानी ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है. आपने अनुभव किया होगा, आपके यहाँ अगर कोई बर्तन होगी या स्नान करते समय जो जग होता है, मग होता है, उसको डालिएगा ऐसे ना, तो वो आसानी से नहीं डूबता है. आपने नोटिस किया है, है ना? तो आपने देखा होगा कि आसानी से वो नीचे की तरफ नहीं जाता है, पानी भी ऊपर की तरफ क्या करता है, फोर्स लगाता है. और वो फोर्स कोई और नहीं, वो कौन सा फोर्स है, बायोएंट फोर्स है. कौन सा फोर्स है, बायोएंट फोर्स है. तो एवरी लिक्विड एग्जर्ट एन अपवर्ड फोर्स, ऊपर की तरफ बल लगाएगा. अरे भैया उधर नॉर्मल होता क्या है, ध्यान से सुनो. हमने कोई वस्तु डाली पानी में, तो पानी को मैं धक्का दे रहा हूं ना, तो पानी का जो नेचर होता है, वो नेचर ये होता है ना कि वो अपने जगह को नहीं छोड़ता है, आसानी से अपने लेवल को नहीं छोड़ता है. लेवल डिफरेंस कभी भी नहीं होगा. बोलेगा ये कैसे, थोड़ा समझाइए. तो बड़ा सिंपल सा है. मान लो यहाँ पर एक टंकी है और यहाँ पे एक और टंकी है, और इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया हुआ है एक कॉमन यहाँ पे ये पाइप से, और उसके बाद मैंने इसमें वाटर इतना भरा हुआ है, यहाँ तक है, और इसमें वाटर यहाँ तक है, और पहले से मैंने इसको बंद किया हुआ. मैंने जैसे ही चालू करूंगा तो बताओ क्या ये वाटर में, जो ये वाटर डिफरेंस है दोनों टंकी में, यहाँ पे यहाँ तक वाटर है और यहाँ पे वहां तक वाटर है, तो क्या रहेगा? बोलेगा नहीं रहेगा. बोलेगी क्या होगा, तो वाटर जो है वो ज्यादा में से कम की तरफ फ्लो करने लगेगा, वाटर इसमें से इसमें जाने लगेगा, और तब तक जाते रहेगा जब तक दोनों का लेवल जो है वो क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए. और बाद में जाकर के जैसे ही लेवल बराबर हो जाएगा, फ्लुएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाए, मतलब बंद हो जाएगी, अब फ्लो नहीं करेगा, ना ये इसमें से इसमें जाएगा, ना उसमें से ये आएगा इसमें. होता है ऐसा ना रियल लाइफ में. वही चीज तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे ही आप नीचे की तरफ डालिएगा किसी भी वस्तु को, तो वो उसका जो वो वाला सरफेस होता है ना, वो कहाँ चला जाता है, थोड़ा सा नीचे चला जाता है, है ना. जैसे मान लीजिए ये आपका बाल्टी जो भी है आपका, जो आप यूज कर रहे हैं, यहाँ तक मान लीजिए पानी है, और इसमें मान लीजिए आपने एक ऑब्जेक्ट डाला हुआ है जिसका मास कितना है, बताइए इसमें मास कितना है, एम है, और ये आपने डाला हुआ है. तो देखिए, तो इतना दूर जो जगह है ये इसने क्या किया है, है ना, इसने धक्का दिया है ना, और ये पानी कहाँ आ गया है, अब नीचे आ गया है, और ये वाला थोड़ा सा लेवल कहाँ आ गया है, ऊपर आ गया है. तो ये जो वाटर होता है ना, यहाँ वाला, ये वाला वाटर जो है वो कहता है कि मेरा तो लेवल ये था और आपने तो लेवल मेरा नीचे कर दिया है, तो मैं चाहूंगा कि मैं इस लेवल तक आ जाऊं. और उसी लेवल को लाने के लिए वो नीचे से ऊपर की तरफ क्या करता है, बल लगाता है इस वस्तु पर, जो भी वस्तु हो, चाहे हम ही क्यों ना हो. और उसी मतलब बल को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोएंट फोर्स कहते हैं. तो देखिए, एवरी लिक्विड एग्जर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट विच इज इमर्ज इन इट, द फोर्स इज नोन एज, और उसी फोर्स को क्या कहा जाता है, द फोर्स इज नोन एज, उसी फोर्स को कहा जाता है क्या, बताइए जल्दी, बायोएंट फोर्स. बायोएंट फोर्स, या और इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है थ्रस्ट. और कैसा थ्रस्ट, अपथ्रस्ट, याद रखिएगा. तो बायोएंट फोर्स और अपथ्रस्ट, आप दोनों में से कोई भी एक नाम बोल सकते हैं, दोनों का मतलब क्या है, सेम है. समझ में आया बायोएंसी क्या होता है, बायोएंट फोर्स क्या होता है. बायोएंसी नहीं है, बायोएंट फोर्स है, ध्यान से सुनिएगा. बायोएंट फोर्स है ये, बायोएंट फोर्स का डेफिनेशन है. बायोएंसी अब इसके बाद में जानने वाले हैं, ठीक है. तो बायोएंट फोर्स किसे कहते हैं, कभी भी लिक्विड में किसी भी वस्तु को डालोगे, उस वस्तु पर वो लिक्विड ऊपर की तरफ बल लगाएगा, उसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोएंट फोर्स बोलते हैं. चलिए अब जानते हैं कि क्या होता है बायोएंसी. तो चलिए अब लिख लीजिए यहां पर बायोएंसी, ठीक है. तो देखिए, बायोएंट फोर्स तो आपने जान लिया, बायोएंसी क्या है, एक प्रॉपर्टी है ना लिक्विड का, तो हम लिखेंगे कि ये गुण है. प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, गुण. तो प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड है ना, बाय विच, जिसके कारण इट एग्जर्ट है ना अपथ्रस्ट. अपथ्रस्ट मतलब समझ ही गए होंगे, बायोएंट फोर्स है ना, ऑन द ऑब्जेक्ट विच इज इमर्ज्ड इन इट, विच इज इमर्ज्ड इन लिक्विड, इमर्ज्ड इन
इन इट लिख देते हैं तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड बाय विच, है ना, लिक्विड का वैसा गुण जिसके कारण इट एग्जर्ट्स, ये लगाता है, क्या लगाता है, अपथ्रस्ट मतलब ऊपर की तरफ बल, ऑन द ऑब्जेक्ट वस्तु पर विच इज इमर्ज इन इट, जो इस वस्तु में क्या करा गया है, डुबोया गया है, तो डुबोया गया है और जिस कारण से डुबोया गया है उस प्रॉपर्टी को बायोएंसी बोलते हैं, और जो फोर्स होता है उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, बायोएंट फोर्स बोलते हैं। कोई समस्या, कोई पूछेगा कि बताइए इसका कुछ मतलब क्या, मतलब यूज क्या है, यूज अभी नहीं जानते हैं, अभी जानते हैं कि इसकी उपयोगिता क्या है और यूज फिर बाद में हम इसको कवर करेंगे अच्छे तरीके से। देखिए लॉजिकल बात है, स्विमिंग जो आपका होता है, स्विमिंग अगर बायोएंट फोर्स ना लगेगा तो आप नहीं कर पाइएगा, है ना, नीचे से लिक्विड अगर आपको ऊपर की तरफ नहीं धक्का देगा तो नहीं हो पाएगा। तो इसे खड़ा होइएगा ना तो वो देखिए धीरे धीरे आप नीचे आने लगेगा, है ना, इसे पैर उर मार के सब कर लेता है प्रेशर बना करके, है ना, ऊपर की तरफ, मतलब खड़ा होकर के भी तैरने का एक तरीका होता है, लेकिन नॉर्मली जो नया नया सीखता है वो देखता है कि जैसे खड़ा हो रहा है ना वैसे ही डूबने लग रहा है, तो वो क्या करता है अपने सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, वो ऐसे 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 सो जाता है, है ना, ऐसे खड़ा था तो ऐसे सो जाता है और सो करके ऐसे पूरा हाथ चलाने लगता है ताकि हाथ नीचे की तरफ ऐसे प्रेशर डाले वाटर पे, तो हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहे, है ना, तो ये आपने देखा होगा। तो स्विमिंग में इसका यूज होता है। दूसरा अगर कोई पूछेगा कि कहाँ पे यूज होता है तो आप बता सकते हैं कि उसका यूज होता है बड़े बड़े शिप बनाने में, बड़े बड़े शिप बनाने में इसका यूज होता है, बड़े बड़े जहाजों को बनाने में इसका यूज होता है, और उसके बाद और जितने भी हैवी ऑब्जेक्ट होंगे, जितने भी हैवी ऑब्जेक्ट होंगे उन ऑब्जेक्ट्स को ये क्या कर देता है, लाइट बना देता है। लाइट का मतलब क्या होता है, हल्का बना देता है, और हल्का बनाने से वो वस्तु आसानी से क्या करने लगता है, तैरने लगता है। चलिए आपको एक पिक्चर के द्वारा बढ़िया तरीके से समझाते हैं कि किस तरीके से जो फोर्स लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब उसको हम वाटर में डालते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका एक कंटेनर है, इस कंटेनर में पूरा पानी भरा हुआ है और इस पानी में, इस वाटर में, इस लिक्विड में यहाँ पर हमने एक बॉक्स डाला हुआ है, और ये जो बॉक्स है ये है आपका ए बी सी डी, इसका मैंने नाम दे दिया है। जैसे ही मैं यहाँ पर इस लिक्विड में इस वस्तु को डालूंगा तो क्या होगा बताइए, इस लिक्विड पर चारों तरफ से फोर्स लगेगा, इधर से लगेगा इस तरफ, इधर से लगेगा इस तरफ, ऊपर से लगेगा नीचे की तरफ और नीचे से लगेगा ऊपर की तरफ। तो ये चार तरह के फोर्स लगते हैं, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी वस्तु को पानी में डालिएगा तो चार तरह के फोर्स लगेंगे, तरह के नहीं है, वाटर ही लगा रहा है, लेकिन हाँ डायरेक्शन सबका अलग अलग है, अपवर्ड डाउनवर्ड एंड साइडवेज आप देख रहे होंगे। अगर मैं इसको नेम करूं तो मैं इसको कर सकता हूं P1, ये हो जाएगा P2, ये हो जाएगा P3 और ये क्या हो जाएगा P4। ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है उसको P1 बोल दिया, नीचे से जो प्रेशर ऊपर की तरफ लग रहा है वो P2, इधर से जो लग रहा है P3 और इधर से जो लग रहा है वो क्या हो जाएगा P4 हो जाएगा। तो देखो ये चार तरह का प्रेशर लग रहा है, लेकिन देखो हो क्या रहा है वो ध्यान से सुनो और लिखो, अपना नोट्स बनाओ कि द साइडवेज प्रेशर कौन, P3 एंड P4 आर इक्वल, ये दोनों का वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है, ये दोनों का प्रेशर का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, एंड अपोजिट, और क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है डायरेक्शन में। तो द साइडवेज प्रेशर P3 एंड P4 आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दियर रिजल्टेंट प्रेशर आप बोल दो यहां पर रिजल्टेंट। अब देखो प्रेशर और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, रिजल्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। बोलिएगा कैसे, तो बड़ा सिंपल सा है, P3 का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा प्लस में, तो मान लीजिए 4 पास्कल आया, और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और उतना ही लगाएगा तो वो क्या में होगा, -4 पास्कल नहीं होगा, ये तो मालूम होगा आपको। और एक डायरेक्शन में अगर हम प्लस ले रहे हैं तो अपोजिट में क्या लेंगे, माइनस, और प्लस और माइनस क्या हो जाता है, कट जाता है, तो जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, 0 पास्कल आता है। तो ये आंसर हो गया, यानी P3 P4 कैंसिल आउट कर लेते हैं एक दूसरे का, तो इनका प्रभाव नहीं दिखता है। अगर इनका प्रभाव दिखता है ना तो डांस करते हैं हम लोग, अगर पानी में रहते हैं तो इधर जाते, कभी कभी इधर जाते, ऐसे आते तो इधर उधर करने लगते, और ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं। अब जो बाकी बच गए हैं चलिए अब उन पर हम बात करते हैं। तो ये पिक्चर अभी अति आवश्यक है, तो पिक्चर को छोड़ देते हैं, बाकी चीज़ों को मिटाया जाए।
देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहां पर आपको नेम से पता चलेगा, नेम आप देखिएगा, नोट करते चलिएगा। यहां पर एक नेम आपको ए बी दिख रहा होगा और आपको एक नेम दिख रहा होगा सी डी। चलिए इन दोनों नेम्स पे चर्चा करते हैं, एक का नाम ए बी है और एक का नाम क्या है सी डी है। तो ए बी जो है वो लोअर डेप्थ इन वाटर है, अगर ध्यान से देखोगे। नहीं ए बी नहीं, ए बी नहीं, ए बी नहीं, सी डी। सी डी जो है वो लोअर डेप्थ में है, लोअर डेप्थ में है, लोअर डेप्थ है ना। इसका जो डेप्थ है, गहराई है, वो क्या है, लोअर है ना। यहां पर ध्यान से सुनना, ये लोअर डेप्थ में है और ये जो है वो ग्रेटर डेप्थ में है। बोलेंगे क्या कहना चाहते हैं आप, इसका मतलब क्या है, तो समझ में तो बहुत सारे लोगों को आ गया होगा, लेकिन फिर से समझा देता हूं। देखिए ये वाटर का सरफेस यहां पे है, तो यहां से यहां तक की दूरी, यानी ऊपर वाला सरफेस यानी सीढ़ी तक की दूरी क्या है, बहुत ही कम है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, लोअर डेप्थ। मान लीजिए यहां पर कोई लड़का है, तो क्या इसको, ये पानी के अंदर ही है लेकिन एकदम नीचे है, थोड़ा थोड़ा सा नीचे है, तो क्या बोला कि हम लोअर डेप्थ में है। और जब यहां पे आ जाएगा बॉटम की तरफ, तो बोला ग्रेटर डेप्थ में है, है ना। आप डिस्कवरी चैनल पर देखे ना कि बहुत सारे लोग चल जाता है एकदम नीचे ले सूट पहन के, तो वो क्या कहा जाएगा, ग्रेटर डेप्थ, और ऊपर तैर रहा है तो क्या है, लोअर डेप्थ है। तो वही कहानी है, इतना समझ में आया। तो वो ग्रेटर डेप्थ है, ये क्या है, लोअर डेप्थ है। तो अब सिंपल सी बात है कि यहां पर अगर कोई चीज है तो इस पर जो प्रेशर लगता है वो क्या लगता है, कम लगता है, और जो ज्यादा डेप्थ में है उस पर प्रेशर क्या लगता है, ज्यादा लगता है। ये नियम है, क्या है भाई, कि यदि कोई लोअर डेप्थ में है तो लेस फोर्स लगेगा किधर की तरफ, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना, क्योंकि यहां पर लिक्विड के नीचे है ये, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहां पर क्या लगता है, क्या लगता है, लेस फोर्स लगता है, कम लगता है, क्योंकि लोअर डेप्थ में है। और यहां पर ये ग्रेटर डेप्थ में है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि मोर फोर्स है ना इन अपवर्ड डायरेक्शन, किधर लगता है, ऊपर की तरफ। तो जब ऊपर की तरफ मोर फोर्स लगता है, तो वहां पर अब लॉजिकल बात यह हो जाएगी कि इसको लिखेंगे कैसे, यानी ए बी पर ज्यादा फोर्स लग रहा है, सी डी पर कम। ए बी में किधर की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ, और सी डी में किधर की तरफ लगता है, नीचे की तरफ। ये मैंने एग्जांपल आपको समझाया था, मैंने कहा था कि जो गर्मी का दिन होता है लूक वाला, उसमें जब साइकिल लोग चलाता है तो उसमें क्या होता है बताइए, उसमें कभी कभी क्या होता है कि हम रुक जाते हैं, है ना, हवा जब बहुत तेज आती है, तो इधर पैंडल पर जितना फोर्स लगा रहा है उधर से हवा भी फोर्स उतना ही लगा दिया, 10-10 न्यूटन का, तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेता है, तो साइकिल पर खड़ा हो जाता है कुछ देर ला। लेकिन जब हम इसे पैंडल बहुत जोर से चलाते हैं और 15 का मान लीजिए 15 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, और उधर 10 न्यूटन का लगाया, तो हमारा ज्यादा ना हुआ, तो मेरा कितना ज्यादा हुआ, 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन फोर्स कहीं ना कहीं काम करेगा, वो काम कैसे करता है, वो पैंडल को घुमाता है, पैंडल से जुड़ा हुआ है चैन, चैन से जुड़ा हुआ है क्या, पहिया, पहिया घूमता है तो हम भी घूमते हैं, समस्या यहां तक समझने में। तो वही चीज यहां पर हो रहा है, देखो ध्यान से देखो, अगर चीज को देखोगे तो आप बोल सकते हो, क्या बोलोगे, कि जो P3 था, प्रेशर 3, पिक्चर देखना, P3 था वो इक्वल टू P4 था और अपोजिट था, तो एक दूसरे को क्या कर लिया, कैंसिल, तो इसका तो कोई यूज ही नहीं है, ठीक है। अब जो बच गया वो ध्यान से देखना, अगर हम देखें तो इसमें क्या है, P1 से बड़ा क्या है आपका, P2 है, P1 से बड़ा क्या है आपका, P2 है। P1 ऊपर से नीचे लग रहा है, लोअर डेप्थ के कारण उसका वैल्यू कम है, और P2 का वैल्यू क्या है, ज्यादा है, P2 जो है उसका वैल्यू क्या है, ज्यादा है। समझ में इतना आ गया, तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि ये जो वैल्यू होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स का, वो किधर की तरफ लगेगा, जो ज्यादा होगा यानी ऊपर की तरफ, ऊपर वाला का वैल्यू ज्यादा है तो ऊपर की तरफ लगेगा। तो यहां पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा या नेट अपवर्ड फोर्स होगा ऊपर की तरफ, नेट अपवर्ड फोर्स, उसका वैल्यू कैसे निकलेगा बताइए जल्दी, हम क्या करेंगे, ज्यादा में से कम को क्या कर देंगे, माइनस, यानी P2 माइनस क्या हो जाएगा, P1, P2 माइनस क्या हो जाएगा, P1। और यही जो P2 माइनस P1 होता है, हम इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ये P2 जो है वो क्या फोर्स लगाने से नहीं आया है, यानी F2 माइनस क्या हो जाएगा, F1, और ये F2 माइनस F1 जो है वो क्या फोर्स है, फोर्स में से फोर्स घटाओगे तो क्या आएगा, फोर्स आएगा, और यही फोर्स जो है वो कौन सा फोर्स होता है बताइए जल्दी, बायोएंट फोर्स होता है, बायोएंट फोर्स होता है। कोई समस्या है यहां तक, ठीक है, ये मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनना, ये रिलेशन है ना, P2 प्रेशर कब डालेगा जब फोर्स लगाओगे। तो मान लो कि P2 लग रहा है तो F2 फोर्स का वैल्यू, P1 तो F1, अब माइनस करा हमने तो आया कुछ ना कुछ वैल्यू। तो बोलो कोई समस्या यहां तक, मुझे लगता है कि यहां तक कोई समस्या नहीं हो रही होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी हमने जान लिया कि बायोएंट फोर्स क्यों लगता है, किस कारण से लगता है, प्रेशर डिफरेंस के कारण, प्रेशर में डिफरेंस, क्योंकि देखो साइड वाइज है तो था तो नहीं,
प्रेशर डिफरेंस नहीं था, दोनों सेम था, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लिया और यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस है। तो ये सवाल अगर आपसे कोई पूछ दे तो आप उसको इंग्लिश में बता सकते हैं कैसे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक ही जगह है जहाँ पर लोग आसानी से तैर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होगा जिसको तैरने नहीं आता होगा, तो वो ये काम करे, एयर मतलब टिकट कटाए एरोप्लेन वाला और डेड सी में चला जाए। डेड सी एक है जहाँ पर सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा मिक्स है ना कि उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गया है। और अभी हम पढ़ने वाले हैं जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है ना, वो लिक्विड बहुत बायोइंट फोर्स लगाता है। इतना ज़्यादा डेंसिटी होगा उतना ज़्यादा बायोइंट फोर्स लगाएगा, उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो बायोइंट फोर्स ज़्यादा लगाएगा, ऊपर में ज़्यादा फोर्स लगाएगा, जिस कारण जो नहीं तैरने वाला भी है ना वो तैर लेता है, क्योंकि कुछ प्रेशर ही नहीं लगाना है, अपना तरफ से कुछ आपको एफर्ट नहीं करना होता। तो चलिए इस पर बात किया जाएगा। फिर आगे हमने ये जान लिया कि बायोइंट फोर्स क्यों लगता है, अब उसी को वर्ड में यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखो बायोइंट फोर्स। ठीक है, बायोइंट फोर्स इज अप्लाइड, बायोइंट फोर्स इज अप्लाइड ड्यू टू, है ना, किसके कारण वो अप्लाइड हो रहा है, टू द प्रेशर डिफरेंस, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, किसके कारण, प्रेशर डिफरेंस के कारण। अभी देखा ना कि दोनों का प्रेशर का वैल्यू क्या था, अलग अलग था। तो बायोइंट फोर्स इज अप्लाइड ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द, और किसके किस बीच में, किसके किसके बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है, बिटवीन द लोअर है ना एंड हायर पार्ट ऑफ बॉडी, जो बॉडी का लोअर पार्ट है और जो हायर पार्ट है वहाँ पे अलग अलग प्रेशर डिफरेंस है ना, अलग अलग प्रेशर है जिसके कारण प्रेशर डिफरेंस हो रहा है, और प्रेशर डिफरेंस के कारण लिक्विड जो है वो आसानी से क्या कर लेता है, फ्लोट करने लगता है। अगला जो पूछा जाएगा आपसे कि फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर, वो कौन कौन सा फैक्टर है, फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोइंट फोर्स, है ना, बायोइंट फोर्स को शॉर्ट में आप ऐसा लिख सकते हैं, एफ मतलब फोर्स, अभी माने बायोइंट फोर्स। तो जब भी ऐसा लिखा रहेगा तो समझ लीजिएगा कि बायोइंट फोर्स है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोइंट फोर्स, आप इसका हेडिंग दे दीजिए, मैं अभी चेक कर रहा हूँ थोड़ा सा कि बोर्ड पे सही दिख रहा है या नहीं, या जूम इन और जूम आउट हो गया है। तो देखिए फैक्टर जो जो बायोइंट फोर्स को मतलब प्रभावित करता है, उसमें जो पहला फैक्टर है वो है आपका, ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले फैक्टर अफेक्टिंग बायोइंट फोर्सेस को जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि अपथ्रस्ट जो होता है यानी जो बायोइंट फोर्स होता है उसका वैल्यू किसके बराबर होता है। फैक्टर अफेक्टिंग बायोइंट फोर्स ये जानने से पूर्व ये जानना होगा कि जो अपथ्रस्ट लगता है माने जो बायोइंट फोर्स लगता है ऊपर की तरफ उसका वैल्यू किसके बराबर होता होगा। तो वो वैल्यू जो होता है वो जितना वेट उसने क्या किया है, डिस्प्लेस किया है, वेट ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड बताया गया था ना, कोई भी वस्तु डालिएगा तो लिक्विड जो है नीचे की तरफ जाता है, तो जितना लिक्विड नीचे जाएगा उसका जो वेट होगा वही अपथ्रस्ट होगा। वेट ऑफ लिक्विड क्या होगा बताइए, वेट ऑफ लिक्विड है ना, या हम लिख सकते हैं डिस्प्लेस्ड लिक्विड, है ना, जिसको नीचे की तरफ क्या कर दिया गया है, धक्का दे दिया गया है, उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो वेट होगा वही वेट का जो वैल्यू होगा। वेट क्या है, फोर्स है, वेट क्या है, फोर्स है, पहले बताया गया है। तो उसी वेट का जो वैल्यू होगा, जो फोर्स होगा, है ना, वही फोर्स के वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, उसे ही कहा जाता है क्या, अपथ्रस्ट कहा जाता है। कोई समस्या है यहां तक, मुझे लगता है कि नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो अभी हम लोग ये जान गए कि अब थ्रस्ट जो होता है वो वेट के बराबर होता है ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, लेकिन अब हम ये जानने वाले हैं कि मैग्नीट्यूड जो होता है बायोइंट फोर्स का, लिखिए यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ बायोइंट फोर्स है ना, इज डिपेंडिंग अपॉन टू फैक्टर्स, ये दो बातों पर निर्भर करता है कि उसका कितना वैल्यू होगा, ज्यादा या कम, डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कौन, बायोइंट फोर्स का मैग्नीट्यूड, बायोइंट फोर्स का क्या, मैग्नीट्यूड, ज्यादा होगा कम होगा वो इन दो बातों पे निर्भर करता है, जिसमें पहला है वो ये है आपका
कि जो बायोवेंट फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो वॉल्यूम के, ध्यान दीजिएगा वॉल्यूम के। अभी बोलेगा वॉल्यूम क्या होता है, तो ये पढ़ा होगा अपने मैथ्स में, ये मान लीजिए कि ये क्या है आपका क्यूबॉइड जैसा कोई वस्तु है या क्यूब जैसा कोई वस्तु है, तो इस क्यूब जैसे ऑब्जेक्ट में जो अंदर जगह होता है, अंदर जो जगह होता है, इस जगह में जितनी हवाएं भरी हुई हैं है ना, वही हवा का वैल्यू क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो जितना जगह कोई छेकता है ना, जितना जगह कोई कवर करता है वो उसका वॉल्यूम हो जाता है। इस रूम के कारण जितना मतलब हवा का जो एरिया है कवर हुआ है वो जो है आपका इस रूम का क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। कोई समस्या है यहाँ तक, वॉल्यूम समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, वॉल्यूम का मतलब समझ में आया, वॉल्यूम का मतलब कोई भी कोई भी वस्तु, किताब रखे हुए हैं तो किताब जगह छेकेगा ना हवा का, तो वो जो वैल्यू होगा, जो प्लेस का, जगह का जो मान होगा, उसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो बायोवेंट फोर्स क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। बायोवेंट फोर्स क्या लगता है, ज़्यादा। जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतना ज़्यादा बायोवेंट फोर्स लगता है। तो यदि मैं पिक्चर के द्वारा आपको समझाना चाहूँ तो आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिक्विड है और इस लिक्विड में एक ऑब्जेक्ट है जो इतना ही इमर्ज है, देखिए इतना ही है, ये बॉक्स बहुत बड़ा है लेकिन इमर्ज है मात्र इतना ही, तो इस पर जो बायोवेंट फोर्स लगेगा वो बहुत कम लगेगा। पता है क्यों? क्योंकि जो इमर्ज पार्ट है वो बहुत ही कम है, मतलब वॉल्यूम कम है यहाँ पर, ठीक है। और ये जितना ज़्यादा डूबते जाएगा, जितना ज़्यादा डूबते जाएगा उतना ही ज़्यादा इस पर क्या लगेगा, बायोवेंट फोर्स लगेगा, है ना। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ ना, क्वेश्चन में मतलब बोल रहे हैं, प्रॉपर्टी इसका है वॉल्यूम जितना ज्यादा उतना ज्यादा बायोवेंट फोर्स लगेगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताइए, कि जो बायोवेंट फोर्स होता है इज मैक्सिमम, वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। बायोवेंट फोर्स क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज, जब ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड, ऑब्जेक्ट जो है वो इमर्ज्ड हो जाता है इन लिक्विड कंप्लीटली, जब पूरी तरीके से डूब जाएगा, जब पूरी तरीके से डूब जाएगा, बोलेंगे कौन, तो वो वस्तु है ना, जो वस्तु को डाला गया है लिक्विड में, तो उसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम, क्योंकि पूरा ऑब्जेक्ट डूब गया ना, तो पूरा ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ज्यादा होगा, जितना ज्यादा डूबेगा उतना ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा होगा, है ना। तो इसी तरीके से यही देखा जाता है कि कोई भी वस्तु है जिसका वॉल्यूम ज्यादा है ना, वो क्या करता है, बायोवेंट फोर्स ज्यादा लगाता है। इसलिए जहाजों में आपने देखा होगा उसका जो बेस होता है वो तो आयरन से बनाया हुआ रहता है, आपने देखा होगा, तो वो बहुत बड़ा रहता है ना, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, और उसमें मिक्सअप करके उसको एकदम आयरन, प्योर आयरन नहीं होता है, नहीं तो मास ज्यादा हो जाएगा, है ना, तो उसको बहुत ही क्या कर दिया जाता है, हल्का बनाया जाता है और स्ट्रांग बनाया जाता है, और वॉल्यूम इतना ज़्यादा कर दिया जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर क्या कर लेता है, सह लेता है। तो ऊपर से जितना भी आप फिर वेट बढ़ाओ उसको वो सह लेता है। तो आपने देखे होंगे आपकी बड़े बड़े जहाज आसानी से तैर पाते हैं, क्यों, क्योंकि जो नीचे बेस है ना उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस किया हुआ है। हमने पढ़ा है कि जो बायोवेंट फोर्स होता है वो किस पर डिपेंड करता है, जो वाटर डिस्प्लेस हुआ उसके वेट पर। तो वाटर डिस्प्लेस का मैग्नीट्यूड, यानी वाटर डिस्प्लेस जो होगा वो ज़्यादा कब होगा, जब मेरा वस्तु बड़ा होगा। सिंपल सी बात है, सिक्का है, सिक्का डालिएगा, वो कम ना उसका सरफेस है, कम वॉल्यूम है, तुरंत डूब जाएगा, वेटे ज़्यादा उसका हो गया, अब वॉल्यूम कम है। और पत्ता है, देखिए पत्ता तैरता है पानी में, क्यों, क्योंकि पत्ता जो होगा, लीव्स जो होगा, उसका वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है, और वेट क्या है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, कम है, तो वो तैरता है। तो वही है, एक उदाहरण मैंने आपको बताया है, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। पहला फैक्टर जिस पर बायोवेंट फोर्स निर्भर करता है वो क्या था, वॉल्यूम था। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि दूसरा वो कौन सा फैक्टर है जिस पर डिपेंड करता है, कौन, बायोवेंट फोर्स। तो ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, जो सेकंड फैक्टर है जिस पर बायोवेंट फोर्स निर्भर करता है वो है आपका डेंसिटी। क्या है आपका डेंसिटी, ये डेंसिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करता है। अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगी, ज़्यादा होगी, फिर से वही बात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है ना, तो यदि ये साइन जो है वो डेंसिटी का है, यहाँ पर लिख लो, ये क्या शो करता है, ये डेंसिटी को शो करता है। तो यदि डेंसिटी ज़्यादा है तो बायोवेंट फोर्स भी क्या है, ज़्यादा है, डेंसिटी यदि कम है तो बायोवेंट फोर्स भी क्या है, कम है, ये ध्यान रखना, लॉजिकल बात है भैया, है ना,
अगर कोई भी वस्तु है जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी तो उसका मास ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा तो उसका वेट ज्यादा होगा, और वेट ज्यादा होगा तो क्या होगा, उस पर ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा लगेगा। मतलब वही ना, वेट है, ग्रेविटेशन फोर्स ही वेट है। तो वो ज्यादा मास के कारण उस पर ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, जिसके कारण वो आसानी से क्या हो जाता है, डूब जाता है। तो वही है, डेंसिटी ज्यादा होने से बायोइंट फोर्स ज्यादा लगेगा। कहने का अर्थ ये है, आप ये कह सकते हैं कि मैं उल्टा बोल रहा हूं, ठीक है, मैं, मुझे लगता है कि मैं उल्टा बोल रहा हूं, जिसकी डेंसिटी ज्यादा रहेगी उस पर बायोइंट फोर्स कम लगना चाहिए, है ना। तो ये जो मतलब लिखा हुआ है, ये तो डेली लाइफ सिचुएशन से थोड़ा सा अलग है, है ना। मुझे लगता है कि ये वाला इक्वेशन दिमाग में रखिए, बायोइंट फोर्स जो होगा वो इन्वर्सली वेरिएटेड होगा। बोले कैसे ही दिमाग में आया, तो मैंने कहा कि अरे डेली लाइफ में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, जैसा मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्टली होता है। मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, है ना, इसका मास क्या है, एम है, है ना, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और जिसका मास कितना है, बताइए, 2m है, और लिक्विड सेम है, और एक का मास एम है, उससे मास दुगना है दूसरे वाले कंटेनर में। लॉजिकल बात है, नीचे से जो फोर्स लगेगा इस पर वो क्या होगा, अगर बायोइंट फोर्स का जो फोर्स लग रहा है, जो वैल्यू है, और यहाँ पर भी नीचे से फोर्स लगेगा, किसका, बायोइंट फोर्स का, है ना। तो इस बायोइंट फोर्स का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, बताइए, ज्यादा होगा या कम होगा। तो जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, मुझे लगता है कि डेंसिटी पर निर्भर करता ही नहीं है। पहला ये फैक्टर आपका था, लेकिन मुझे लगता है कि सेकंड वाला फैक्टर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, इन टर्म ऑफ डेंसिटी। नहीं नहीं नहीं, चलिए, और अब जानते हैं कि जो दूसरा फैक्टर है जिस पर डिपेंड करता है बायोइंट फोर्स, वो क्या है। तो जो सेकंड वाला है वो ध्यान देते हैं, बायोइंट फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो डेंसिटी के, है ना, डेंसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डेंसिटी के, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ क्या, वाटर। वाटर की डेंसिटी अगर ज्यादा है तो वो बायोइंट फोर्स ज्यादा लगाता है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स उसमें क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, तो वो जल्दी टूटेगा नहीं, है ना, और जल्दी टूटेगा नहीं तो वो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, और उसी फोर्स के वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई वो क्या है, बायोइंट फोर्स है। तो बायोइंट फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी ऑफ वाटर के। और अभी मैंने उदाहरण दिया था डेड सी का, इजराइल के आसपास है, और वहां पे होता क्या है, वहां पे अगर आप जाइएगा तैरने तो वहां पे आप आसानी से तैर लेते हैं, रीजन बड़ा साफ है, क्योंकि वहां पर बायोइंट फोर्स का वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो वो आसानी से ऊपर आपको रख लेगा। तो बोलेगा कि ऐसे हम पार कर जाएंगे ना, किसी दूसरे देश में चले जाएंगे, अच्छा रहेगा, नहीं, मतलब आप एक दिन भी पूरी तरीके से आप उसमें नहीं रह पाइएगा, क्योंकि सॉल्ट की मात्रा इतनी ज्यादा उसमें है कि वो आपके स्किन को खराब कर देगा, और एक आध दिन और रहे तब तो काम ही खत्म हो जाएगा। सो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बहुत सारे लोग सोचे होंगे ऐसा, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नेचर उनको करने नहीं देगा। यहाँ तक कोई समस्या, ठीक है। तो हमने ये जान लिया कि जो लिक्विड होता है, जो गैस होता है, है ना, वो क्या करता है, फोर्स लगाता है। तो अभी हम लिक्विड के बारे में पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर हम फिर से लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि लाइक लिक्विड, है ना, गैसेज एल्सो एक्सर्ट क्या, अपवर्ड फोर्स, है ना, ये अपवर्ड फोर्स क्या करता होगा, लगाता होगा। लिक्विड में जैसे मैंने डाला किसी भी को, तो लिक्विड अपना जगह नहीं छोड़ता है, वो ऊपर की तरफ लगाया। बोल सॉलिड भी करता है ऐसा, है ना, टेबल है, टेबल पे आपने कोई वस्तु रखा, तो वो अगर टेबल हार्ड है, उसका इंटरमोलिकुलर एकदम जुड़ा हुआ है, तो टूटबे नहीं करेगा। ऊपर से रखने का मतलब आप फोर्स लगा रहे हैं और तोड़ रहे हैं उसको, नहीं टूटेगा। लिक्विड में डालिए, इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड से क्या है, कम है, तो टूट जाएगा, आपको अंदर आने देगा, है ना, बेचारा का जितना पावर है उतना काम ना करेगा। अब गैस हो गया, गैस में भी ऐसी होगा, गैस में डालिएगा तो गैस भी तो कहेगा कि मेरा जगह छोड़िए, होता है ऐसा, आप वहां से हटिए, वहां पर गैस आ जाता है, फिर दोबारा एयर आ जाता है। अरे बोलिए ना, ऐसा होता है ना रियल लाइफ में। तो जैसे लिक्विड होता है, गैस भी क्या करता है, एग्जर्ट करता है फोर्स, किधर की तरफ बताइए, है ना, ऊपर की तरफ लगाता है। लेकिन डेंसिटी जो होती है वाटर की, डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो कितना होता है, बताइए, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, वो लगभग होता है ना,
1.3 केजी पर मीटर क्यूब, ये इसकी क्या हो जाती है, डेंसिटी हो जाती है, और इसी के आसपास है, हम ना वन के आसपास हम समझ सकते हैं 1000 केजी पर मीटर क्यूब, वैसा मैंने कुछ पढ़ा था, या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलिए मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ जो 1 के आसपास है, है ना, 1 के आसपास समझ लीजिएगा, मैंने यहाँ पे केजी लगाया हुआ है 1.3 केजी पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे ये जो डेंसिटी ऑफ वाटर है, आप इस वैल्यू को मत दिमाग में रखिए, बस सिर्फ दिमाग में ये रखिए कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो क्या होता है, वो विच इज स्मॉलर, जो कम होता है, डेंसिटी से क्या होती है, कम होती है, विच इज स्मॉलर देन द बॉडी, जिस वस्तु को है ना एयर में रखा गया है, एयर में डाला मतलब एयर में रखा गया, मैं भी क्या हूं, एयर में ही हूं, है ना, तो मेरा जो क्या है बताइए डेंसिटी, वो एयर के डेंसिटी से क्या है, ज्यादा है ना, ये वाटर मैंने लिख दिया है क्या, एयर का है भैया, वाटर का तो होता है ना, यही ना काम गड़बड़ हो जाता है, वाटर का मालूम होगा आपको 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है ना, और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, वही तो मैं सोचूं कि मैंने पढ़ा है कहीं पे। तो एयर का डेंसिटी कितना होता है, 1.3 केजी पर मीटर क्यूब, जो मेरे डेंसिटी से क्या है, बहुत ही कम है ना, देखिए वाटर का तो 1000 होता है और उससे भी बहुत कम है, तो विच इज स्मॉलर देन द बॉडी, जिस भी वस्तु को डाला गया, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी वस्तु को डाला गया उससे इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ध्यान से एक बात को समझिएगा कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स उतना ही तोड़ना मुश्किल, और जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स तोड़ना मुश्किल उतना ही ज्यादा वो बायोइंट फोर्स लगाएगा। तो लिक्विड तो मान लीजिए काम भर था, सॉलिड तो काफी था, उसमें तो ऊपर ही रह जाइएगा लटक के, है ना, अरे किसी भी सॉलिड पे क्या है, अगर मान लीजिए स्विमिंग पूल बना हुआ उसमें पानी नहीं है तो आप उसके ऊपर वाला सरफेस पर नहीं ऐसे तैरते रह जाइएगा, थोड़ी अंदर घुस जाइएगा, सरफेस की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर नहीं ना चला जाइएगा। तो ये कहानी है, लिक्विड में कुछ भाग जो है पानी में डूबा रहता है हमारे शरीर का, और कुछ ऊपर रहता है ना, जो हम तैर के कर लेते हैं, और गैस में तो पूरा अंदर ही रहते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि ये नीचे से जो फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ, उस फोर्स का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर फोर्स जो ऊपर की तरफ लगा रहा है उसके कारण लॉस ऑफ वेट होगा, वहां पर भी लॉस ऑफ वेट होता था ना वाटर में, तो यहाँ पर भी होगा लॉस ऑफ वेट, ठीक है, तो लॉस ऑफ वेट इज निगलिबल होगा यहाँ पर, है ना, निगलिबल होगा, यानी बहुत ही क्या है, न के अनुसार लॉस ऑफ वेट क्या होगा यहाँ पर, बहुत ही कम होगा, इतना कम होगा कि उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इस बायोइंट फोर्स जो होता है ऑफ गैस, है ना, इज इग्नोर्ड, इसको हम लोग क्या करके चलते हैं, इग्नोर्ड करके, क्योंकि इसका कोई वैल्यू स्पेसिफिक नहीं है, है ना, कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं है जिससे कोई वर्क हो, तो जिससे कुछ काम हो, जैसे अब मान लीजिए लिक्विड वाला पढ़ते हैं तो उसे हम लोग क्या शिप्स बनाना जान गए हैं, है ना, जहाज बड़े बड़े तैरते हैं, तो ये बायोइंट फोर्स का वैल्यू निकाल करके ही ना उसमें उसके अनुसार वेट रखते होंगे ताकि डूबे नहीं, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है, है ना, इसीलिए हम कह सकते हैं कि गैस वाला जो बायोइंट फोर्स होता है जो लगाता है वो क्या कर दिया जाता है, इग्नोर्ड कर दिया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, अगला जो है कि भाई व्हाई डू ऑब्जेक्ट, अभी तो बता दिया गया है आपको लेकिन फिर से दोबारा बताया था बढ़िया तरीके से, व्हाई डू ऑब्जेक्ट फ्लोट एंड सिंक इन लिक्विड, कैसे क्यों लिक्विड में कोई भी वस्तु फ्लोट करने लगता है और वो क्या करता है, तैरने लगता है, बनी फ्लोट करने का मतलब तैरना ही हुआ, और डूब जाता है, फ्लोट का मतलब हो गया तैरना और सिंक का मतलब क्या हो गया, डूब जाना, तो क्यों ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या करता है, फ्लोट करता है और सिंक कर जाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही ऑब्जेक्ट को डालिएगा तो दो फैक्टर उस पर काम करता है, अगर लिक्विड में अगर आप डालिएगा तो वहां पर दो फैक्टर काम करेगा, फैक्टर नंबर वन, किसी भी लिक्विड में जैसे ही ऑब्जेक्ट को डालिएगा वहां पर क्या होगा, उसका वेट काम करेगा, वहां पर क्या करेगा, उसका वेट काम करेगा, है ना, जितना वेट होगा वो नीचे की तरफ बल लगाएगा, अरे लगाएगा ना, क्योंकि पानी के नीचे धरती नहीं है क्या, तो वो धरती अपनी तरफ खींचेगा नीचे की तरफ और उससे फोर्स लगेगा, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। तो जो भी किसी वस्तु को डालिएगा उसके पास जरूर कुछ ना कुछ वेट होगा, तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है ना, क्या
कि फ्लोट करेगा कि सिंक करेगा, बोला व्हाई डू फ्लोट और सिंक, तो ये बताने वाला हूं मैं। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है ना, ये आपको मालूम होगा। और वेट जो होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का क्या है, फोर्स है। और कैसा फोर्स है, तो आपको मालूम होगा ग्रेविटेशनल है ना। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका वैल्यू जो है वो ये बतलाएगा कि वो वस्तु फ्लोट करेगा या क्या हो जाएगा, सिंक करेगा। ठीक है, तो ये पहला है फैक्टर जिस पर वो निर्भर करता है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड नंबर, जो जिस पे वो डिपेंड करेगा वो हो जाएगा बायोएंट फोर्स। और बायोएंट फोर्स हमेशा किधर की तरफ लगता है, वो लगता है ऊपर की तरफ। बायोएंट फोर्स किधर की तरफ लगता है, ऊपर की तरफ लगता है। और ये जो होगा बायोएंट फोर्स, जैसे यहां पर वेट था ना ऑब्जेक्ट का, लेकिन वो डिपेंड, देखो यहां पर वो डिपेंड कर रहा था किस पर, ग्रेविटेशनल फोर्स पर। और यहां पर जो बायोएंट फोर्स होगा इसका वैल्यू डिपेंड करेगा किस पर, बताइए, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पर। यानी जितनी ज्यादा लिक्विड की डेंसिटी होगी, जितनी ज्यादा लिक्विड की डेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा बायोएंट फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, है ना। तो ये दो बातें डिपेंड करती हैं जिसके कारण कोई भी वस्तु जो है वो फ्लोट करता है और क्या करता है, डूब जाता है। तो चलिए हर एक केस को लेकर के एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं केस नंबर वन, इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें अगर मान लीजिए कि आपका वेट ज्यादा है, किसी भी वस्तु का वेट ज्यादा है, किससे ज्यादा है, जो बायोएंट फोर्स लग रहा है उससे ज्यादा है, वेट आपका ज्यादा है और नीचे से जो पानी जो फोर्स लगा रहा है बायोएंट फोर्स, उसका वैल्यू क्या है, कम है, तो क्या हो जाएगा, तब ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सिंक करेगा। सिंक का मतलब क्या हो जाएगा, डूबना। लॉजिकल बात है, रिजल्टेंट फोर्स आपने पढ़ा होगा, ऊपर से फोर्स नीचे की तरफ ज्यादा लग रहा है, नीचे से ऊपर कम लग रहा है, तो फोर्स कौन सा काम करेगा, ऊपर से नीचे वाला। और ऊपर से जब नीचे फोर्स लगेगा तो वो वस्तु क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। तो यही होता है। तो केस नंबर वन ये हो जाएगा। अगर कहे कि केस नंबर टू में क्या पॉसिबिलिटी है, तो इसमें यह पॉसिबिलिटी है कि वेट से ज्यादा कौन हो जाएगा, बताइए जल्दी, बायोएंट फोर्स का वैल्यू हो जाएगा। कभी कभी ये भी ना होगा, डिपेंड करेगा कि वस्तु किससे बना हुआ है, ऑब्जेक्ट किसे बना हुआ है। तो वेट से ज्यादा अगर बायोएंट फोर्स का वैल्यू हो जाएगा तो वो क्या करेगा, फ्लोट करता है। और जब कोई भी शिप बनाता है इंजीनियर, तो इन बातों का ध्यान रखता है कि हमेशा बायोएंट फोर्स का वैल्यू किससे ज्यादा हो, वेट से ज्यादा हो, नहीं तो जहाज रह जाएगी रास्ते में ही। ठीक है, और नंबर थर्ड, केस नंबर थ्री क्या है बताइए। केस नंबर थ्री क्या कहता है कि कभी कभी क्या होगा कि वेट जो है वो आपका बायोएंट फोर्स से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, कोई कम और कोई ज्यादा नहीं होगा, तो ना वो डूबेगा अच्छे तरीके से, है ना, ना वो तैरेगा अच्छे तरीके से, वो बीच में रहेगा, है ना, वो ज्यादा लिक्विड के गहराई में भी नहीं जाएगा, वो ऊपर तैरेगा भी नहीं, और वो बीच में एक प्रॉपर जगह पे, है ना, वो डिपेंड करेगा लिक्विड पर और उस ऑब्जेक्ट पे कि वो कहाँ पे रहता है। ठीक है, तो ये अगर स्थिति है, तो इस वाली स्थिति में क्या होता है ना, वो क्या करता है कि फ्लोट तो करता है ना, जस्ट बिलो द सरफेस, है ना, बिलो द सरफेस, सरफेस के जस्ट थोड़ा सा नीचे वो क्या करता है, फ्लोट करता है, कौन सा, वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतनी समझ में आ गई बात। तो यदि अगर सवाल आपसे कह देगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा और सिंक करेगा वो क्यों करेगा, तो आप उसको इस तरीके से समझा सकते हैं, बोलेगा कि बताइए वो जो फोर्स लगाता है, कौन सा फोर्स बताइए, नीचे की तरफ, या जो बायोएंट फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, बायोएंट फोर्स किसके बराबर होता है, लिक्विड जितना डिस्प्लेस किया गया है उसके वेट के बराबर है ना। और उसका वेट कैसे निकलेगा, उसका भी वेट वैसे ही निकलेगा, एम इन टू जी करके निकल जाएगा। बोलेंगे हाँ सही बात है, एम इन टू जी, अरे लिक्विड है तो उसके पास मास होगा, उस पर भी तो जी लग रहा होगा, तो लिख लेंगे, तो वेट बराबर एम इन टू जी। लेकिन कोई कहता है कि इसको डेंसिटी के फॉर्म में लिखिए, तो हम बोलेंगे ठीक है लिख लेते हैं। बोले कैसे, तो हम ये जानते हैं कि डेंसिटी जो होगा उसका रिलेशन हमको पता है, डेंसिटी बराबर क्या होता है बताइए आप लोग, डेंसिटी बराबर होता है आपका क्या, मास बटा वॉल्यूम, ये होता है ना, डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम। उससे हम मास की जगह पे पुट नहीं कर सकते हैं वैल्यू, तो देखो तो मास बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू क्या, वॉल्यूम। तो यहाँ पे मास की जगह पे क्या लिख देंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जी। तो ये हो गया वेट बराबर डी वी इंटू जी, और इसका वैल्यू जो होगा वो आपको बतलाएगा कि वो वस्तु डूबने वाला है कि नहीं। तो ये वैल्यू निकालता होगा इंजीनियर जब भी वो जहाज बनाता होगा, और ये देखता होगा कि वो वैल्यू ज्यादा होना चाहिए ताकि हम बड़ा से बड़ा जहाज बनाएं और उसमें ज्यादा वेट एक देश से दूसरे जगह लेके जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पर व्यापार इसी से होता है। व्यापार क्यों होता है इससे, क्योंकि इसमें थोड़ा कम खपत है और बहुत ज्यादा मात्रा में हम सामान लेके एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में मात्र इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।